हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर जो कि इस साल ज़रूर पूछा जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए सभी क्वेश्चनों को करते हैं और कॉपियों पे लिख लेना इनको। तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है खरीफ की फसल। तो देखिए खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो देखिए जो ये गेहूं है, मटर है, ये चना है, ये क्या है? ये तो रबी की फसल होती है। तो खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? मक्का। तो मक्का खरीफ की फसल हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें मलेरिया रोग का वाहक। अब देखिए मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। तो मादा एनाफिलीज क्या हो जाएगी? मादा एनाफिलीज मच्छर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें संश्लेषित रेशा। देखिए एक तो प्राकृतिक रेशा होता है और एक संश्लेषित। प्राकृतिक में तो आता है कपास, ऊन और रेशम, तो ये तो प्राकृतिक रेशे में आता है। तो संश्लेषित रेशे में क्या हो जाएगा? नायलॉन। तो नायलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला है इसमें निम्न में से किसको पीट कर चादर के रूप में? अब देखिए जो सोना होता है, उसको तो हम तार के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, और जो चांदी होती है, चांदी को क्या है हम पीट पीट कर क्या है पतली चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए समाप्त कौन कौन सा हो सकता है? समाप्त देखिए समाप्त नहीं हो सकता, तो सूर्य नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। वायु भी नहीं हो सकता समाप्त, जल भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पेट्रोलियम क्या है? समाप्त होने वाला संसाधन है। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें वनोन्मूलन के कारण। अब देखिए वनोन्मूलन के कारण क्या होते हैं? कृषि के लिए वनों को काटना, ये भी सही है। ईंधनों के रूप में लकड़ी को जलाना, ये भी सही है। दावानल में भीषण आग, तो जंगल में जो आग लग जाती है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सही आंसर सभी हो जाएंगे इसके। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक का मतलब अंदर, तो मादा में जो अंदर अंदर मादा के जो अंदर होता है उसको क्या कहते हैं हम? आंतरिक निषेचन। ऐसे ही अगला है इसमें निम्न में से संकटापन्न। संकटापन्न का मतलब जो कि क्या है? संकट ग्रस्त जनजाति होती है। जीवों की क्या है? संकट ग्रस्त, अर्थात जो कि क्या है? गायब होने वाले हैं, गायब होने के कगार पर हैं। तो वो उनमें क्या है? काले हिरण इसका सही हो जाएगा। काले हिरण क्या है? ये संकटापन्न वन्य जंतु हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने में, ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाने में, दाब बढ़ाने में, ये तो गलत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? घर्षण को कम करने के लिए क्या हो जा क्या करते हैं हम? बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है। ऐसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें निम्न में से किस बाघ ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? अब देखिए जो लड़कियां होती हैं उनकी बाघ ध्वनि क्या है? अधिक होती है, और क्या है? छोटे लड़कों की भी अधिक होती है, और महिलाओं की भी अधिक होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी? पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषों की बाघ ध्वनि कम होती है, सबसे कम होती है। ऐसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका अगला है इसमें विद्युत का स्वचालक। विद्युत का स्वचालक कौन से हैं? अर्थात उनमें करंट बहता है। तो करंट किन किन में बहता है? तो लोहा में बहता है। इनमें से क्या है? लोहा ही है जिसमें करंट बहता है। ऐसे अगला है इसका जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है। तो रेशम जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े द्वारा रगड़ा जाता है तो क्या है? जो जो कि क्या है? धनावेश, जो धनावेशित होता है, जो जो छड़ होती है धनावेश छड़, उसमें से क्या है? धनावेशित छड़ क्या वो छड़ क्या है? धनावेशित हो जाती है, और कपड़ा क्या है? ऋणावेशित हो जाता है। तो छड़ तो क्या है? धनावेशित हो जाएगी, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें भूकंप आने के कारण। तो भूकंप आने का कारण क्या है? अतिवर्षा, ये तो गलत है। वर्षा से तो बाढ़ आती है, और ग्रहों की गति, ये भी गलत हो जाएगा। ईश्वर का प्रकोप, ये कोई वो नहीं है। ऐसे ही तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। तो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनमें गतिविधि होती है, तो भूकंप आता है। ऐसे अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो मंगल जो ग्रह होता है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसे रुधिर में ऑक्सीजन भाग की क्षमता कम करने वाली गैस, तो रुधिर में कौन सी गैस कम करती है? तो ये हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO।
CO जो गैस होती है वो कि क्या है, बहुत ही हानिकारक होती है, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, उचित शब्द छांटिए। तो देखिए, फलोदार फलीदार पौधों की जड़ों में क्या होता है, राइबोसोम बैक्टीरिया होता है। फलों की जड़ों में क्या है, राइबोसोम राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ऐसे ही टाइफाइड, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। ऐसे अगला है इसमें, थर्मोसेटिंग किसका उदाहरण है, थर्मोसेटिंग किसका उदाहरण है, थर्मोसेटिंग किसका उदाहरण हो जाएगा, थर्मोसेटिंग किसका उदाहरण हो जाएगा, बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग का उदाहरण क्या हो जाएगा, बैकेलाइट। ऐसे अगला है इसमें, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड। ऐसे ही क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ऐसे ही प्रवासी पक्षी क्या है, सुदूर क्षेत्रों से क्या है, परिवर्तन क्या है, किसके परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन के कारण पलायन कर जाते हैं। ऐसी टेडपोल का वयस्क क्या है, कायांतरण। टेडपोल का वयस्क क्या है, कायांतरण कहलाता है। टेडपोल का वयस्क क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ऐसे ही तो हो गए ऐसे। अब ये है जूतों के तले, जूतों के तले किसके कारण घिस जाते हैं, तो घर्षण के कारण, घर्षण के कारण क्या है, घिस जाते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए अगला है, यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए और असत्य है तो फॉल्स लिखिए। तो अवांछनित या अप्रिय ध्वनि, तो जो अवांछित है मतलब जो अच्छी नहीं लगती है उनको संगीत थोड़ी कहते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे अगला है, सजातीय आवेश एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। देखिए, सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, और एक जैसे क्या करते हैं, एक जैसे क्या होते हैं, आकर्षित नहीं होते, क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे अगला है, आसु जल में विद्युत का चालन होता है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है प्रदूषक गैस है, तो ये क्या है, सही है। तो ये क्या है, सही हो जाएगा। लोहे में संक्षारण होने के कारण जंग लगने की प्रवृत्ति है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर वाक्य संरक्षण से संबंधित है, वाक्य संरक्षण से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है कॉलम, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो रबी की फसल मैंने बताया था, गेहूँ चना, ये क्या है, रबी की फसल है। एक प्रोटोजोआ किसका उदाहरण है, मलेरिया का कारक है। और कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। और डीजल क्या है, एक मोटर ईंधन है। और अंडाणु क्या है, अंडाशय में होते हैं। तो ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है इसमें, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मिट्टी में पोषक तत्व, मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, यूरिया का उपयोग करते हैं, खाद देते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड में घर्षण के कारण क्या, किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैरम पाउडर, कैरम पाउडर का उपयोग करते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम, तो एक ध्वनि प्रदूषक क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या है, एक ध्वनि प्रदूषक, अर्थात ध्वनि का प्रदूषण होता है। ऐसे विद्युत को चालक का नाम क्या है, विद्युत को चालक क्या होती है, प्लास्टिक होती है, विद्युत को चालक प्लास्टिक या लकड़ी भी कह सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस है, विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या है, विश्व उष्णन उत्तरदायी है ये। ऐसे अगला है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किसको लेना पसंद करेंगे, तो क्या है, हम सूती को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यह क्या है, किरणों को क्या है, परावर्तित कर देती है, जिससे हमें क्या है, गर्मी कम लगती है। ऐसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, धातु एवं अधातु। अब देखिए, धातु तो स्वचालक होते हैं, धातु में करंट बहता है, और अधातु कुचालक होते हैं। धातुओं में क्या है, तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जबकि कुछ उनमें नहीं पाया जाता। और क्या है, धातुओं में क्या है, धातुओं में जंग लग जाती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे अगला क्वेश्चन है, संगमरमर के फर्श पर साबुन से भरी बाल्टी फैलाने पर क्या है,
फर्श चिकना हो जाता है, तो आप सरलता से चलेंगे या कठिनता से? तो इसमें क्या है, चलना कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी सतह। और उसमें क्या है, मेन क्या है इसमें, घर्षण कम हो जाएगा, इसका घर्षण कम हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही अगला कम क्वेश्चन है इसमें, इसमें तो क्या है, घर्षण कम हो जाएगा जिससे जिसके कारण हम चल चल नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है इसमें, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल पर बिजली को बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि बिजली के संपर्क में पानी आएगा तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम क्या है, बिजली को बंद कर देते हैं, सप्लाई को, पावर सप्लाई को। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, भूकंप से बचने के लिए, अब देखिए भूकंप जब भी आता है तो हम क्या है, सबसे पहले तो हम घरों से बाहर निकल जाते हैं, और एक क्या है एकांत, मतलब एक खुले मैदान में, क्या है, खुले मैदान में चले जाते हैं। और हमको क्या करना चाहिए, खुले मैदान में उल्टा लेट जाना चाहिए, और क्या है, किसी भी बड़े मकान के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसे सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है, ये सरल है। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला है सीएनजी और एलपीजी, ये क्या है, सस्ते होती हैं, और क्या है ये, इनके क्या, ये क्या है, अच्छे वाहक हैं, अच्छे क्या हैं ये, वाहक, इनको क्या है, सरलता से हम क्या है, ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या है, लिख सकते हैं इनमें। तो नर्जरन तंत्र का चित्र बनाना है इसमें। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, तो यहीं तक है, ये है इसमें, है अगला है इसमें 18वां क्वेश्चन है, खरपतवार। अब देखिए खरपतवार किसे कहते हैं, जब खेती करने के समय जब फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम खरपतवार कहते हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें क्या है कि यूरिया का उपयोग करते हैं, और इनकी क्या है, निराई की जाती है, जिससे इसको क्या है, ख़त्म करते हैं। ऐसे अगला है इसमें, सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई का है इसमें दो विधि लिखनी है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और बांधों द्वारा क्या है, सिंचाई करते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसमें, तो वनोन्मूलन पता ही है, पेड़ों को काटना, और क्या है, उनकी उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, तो वनोन्मूलन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही रेड डाटा पुस्तक क्या है, और किन्हीं दो संकटापन्न जंतु क्या है, एक तो हिरण हो जाएगा, काला हिरण, और दूसरा हो जाएगा गुलाबी सिर वाली बतख। ये क्या है, मोस्ट है, गुलाबी सिर वाली बतख, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। तो ऐसे ही अगला है, मच्छर अपने पंखों को, ये क्या है, क्वेश्चन है ये पासुक में होगा, इसको देख लेना। ऐसे ही ये क्या है, नियंत्रण एवं ये क्या है दिए हैं, तो इनमें कहाँ कहाँ से साउंड निकलता है, ढोलक में कहाँ से निकलता है, सितार में, बांसुरी में, और मंजीरा में, तो ये बताना है कहाँ से इनका साउंड आता है। तो ऐसे अगला है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के चार उपाय, तो जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं हम, पानी को क्या है, हम एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। ऐसे ही वायु प्रदूषण क्या है, सरल है, ये हानिकारक प्रभाव लिखने हैं, तो ऐसे ही इनको करना है। तो यहीं तक था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।